गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, हम डिस्कस कर रहे हैं टेंथ क्लास का लेसन फर्स्ट एंड उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमें वर्ड यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि दोज रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मूव कराना, कि हमने कुछ मूव किया है वहां से। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, एंड उस कंपाउंड में क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, एंड जो अनदर कोई मेटल है वो क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब क्या समझे हम यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है एंड यहाँ पर हमारे कंपाउंड वो डिस्प्लेस कैसे हुए हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास क्या है कि जो पोटाशियम है, पोटाशियम है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देन सोडियम है, वो पोटाशियम से लेस रिएक्टिव मेटल है। देन कैल्शियम है, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर हमारे पास मर्करी, देन हमारे पास सिल्वर, देन हमारे पास गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर है जो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव हमारे पास मेटल है। एंड पोटाशियम एंड सोडियम हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हमने रिएक्शन डिस्कस की थी किसकी, आयरन सल्फेट और कॉपर की। तो उस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ था कि आयरन की और कॉपर सल्फेट की हमने रिएक्शन की थी, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या थी, हमारे पास रिएक्शन ये थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर क्या है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन से। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है देन आयरन से। तो आयरन क्या करता है, यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया कॉपर सल्फेट का, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, तो हमने क्या रीड किया कि दोज रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, किससे, उसके कंपाउंड से। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, FeSO4 प्लस कॉपर। तो आयरन हमारा क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, एंड कॉपर हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है एंड कॉपर हमारे पास मेटल, ठीक है। तो अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, अगर हम वहां पर सॉल्यूशन लेके चले आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ आयरन सल्फेट की कॉपर के साथ में, ठीक है, मुझे पता है यहां पर मेरा आयरन क्या है, आयरन मेरा मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो ये रिएक्शन क्या है, मेरी फिजिबल ही नहीं होगी, ये रिएक्शन मेरी नहीं होगी वहां पर। क्यों, क्योंकि कॉपर मेरा क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। सिमिलर हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जिंक है प्लस H2SO4 है। अगर मैं जिंक और H2SO4 की रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि जिंक जो है, मैं सर्च करती हूँ, जिंक मेरा यहाँ पर है, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर है, तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। दैट मीन्स जिंक क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जिंक डिस्प्लेस करता है किसको, हाइड्रोजन को। एंड हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होती है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। लेकिन अगर मैं अपोजिट करती हूँ, अगर मैं कॉपर को लेती हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है कि हाइड्रोजन जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो यहाँ पर ये मेरी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर रीड करते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी में एक्टिविटी क्या गिवन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमें आयरन की नेल को डिप करना है, ठीक है, एंड उस टेस्ट ट्यूब में हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, ठीक है। हमने कॉपर सल्फेट का यहाँ सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर आपको स्टूडेंट पता होगा कैसा होता है, ब्लू। जैसे ही हमने यहाँ पर आयरन की नील को डिप किया एंड आफ्टर हम 20 मिनट्स बाद ऑब्जर्व करते हैं, 20 या फिर 1 आवर के बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो हमें क्या मिलेगा,
लाइट कलर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कॉपर सल्फेट है, आयरन को हमने डिप किया, तो जो सल्फेट आयन से वो कहाँ चले जाएंगे, आयरन पर चले जाएंगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इस जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर है वो सल्फेट के ग्रुप की वजह से ही हमारा कलर है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, कलर हमारा ब्लू है, लेकिन सम टाइम के बाद देखेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर। जैसे कि हमें यहाँ रिएक्शन गिवन है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फैट, क्यों हो जाता है वो, इसी रिएक्शन के कारण हमारे पास क्या है वो कलर लाइट कलर का हो जाता है कि FeSO4 रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट बनाते हैं एंड कॉपर रिएक्शन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, आयरन डिस्प्लेस कर दिया अनदर एलिमेंट को कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास अनदर एग्जाम्पल भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, क्या क्या है कि जिंक एंड कॉपर सल्फेट है, ठीक है। जिंक की मुझे पता है रिएक्टिविटी मोर होती है, तो जिंक क्या है यहाँ पर मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, इसीलिए ये मेरी रिएक्शन फिजिबल है। अगर मैं अपोजिट करवाती हूँ तो मेरी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर मेरा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मेरा क्या फॉर्म होता है। सिमिलर हमारे पास क्या है, लेड है प्लस में कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ मेरा यहाँ पर क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है और साथ में क्या है कॉपर मेटल, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसीलिए देन कॉपर से, इसीलिए रिएक्शन मेरी क्या होती है फिजिबल होती है। स्टूडेंट जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट भी करना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, वैसे भी आप रिप्लाई तो करते नहीं हो, तो रिप्लाई आपको जरूर करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट मेरी टाइप क्या है, नेक्स्ट मेरी टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा हमारा क्या हुआ है, जैसा हमारा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वैसे ही हमारी क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल का मतलब वहां पर दो आयन्स होंगे, दो एलिमेंट होंगे जो रिप्लेस करेंगे, ठीक है, सिमिलर चलेगी हमारी दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड। अब यहाँ पे हमारा एक ही कंपाउंड रिएक्ट कर रहा था, दूसरी हमारी क्या थी मेटल थी, यहाँ पे क्या रहेगी दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड रहेंगे, रिएक्ट करेंगे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, अपने आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, ये तो मेटल है ये क्या आयन्स है, एक्सचेंज करेंगे एंड एक नई कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, वो हमारे पास क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्लस रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो हमें क्या मिलता है NaCl जो हमारा क्या है सोल्ट है, NaCl क्या है सोल्ट है, एंड साथ में हमें क्या मिलता है बेरियम सल्फेट मिलता है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, वो हमें मिलता है इन द वाइट पीपीटी की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या रीड किया कि एक तो हमें वहां पर सोल्ट मिलता है, कि सबसे पहले तो दोज रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एंड अपने आयन्स को एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो यहाँ पे ये दो हमारे पास कंपाउंड थे वो रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद हमें नए दो कंपाउंड थे, नए प्रोडक्ट मिले हैं, एक NaCl जो सोल्ट है, दूसरा क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट के भी हमें क्या मिलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये क्या है, ठीक है। तो डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो मेरे पास दो टाइप की होती है, दो टाइप की मींस एक तो होती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दैट मींस जिनके अंदर हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जिनके अंदर हमें सॉलिड कंपाउंड मिलता है, जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वहां पर सॉलिड कंपाउंड मिलता है, वो क्या होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं। दूसरी हमारी टाइप क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप स्टूडेंट सेवंथ क्लास से ही रीड कर रहे होंगे, क्योंकि सेवंथ क्लास में ही आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या करते हैं एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक तो सोल्ट बनाते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं वाटर, तो वो हमारी क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। मतलब जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है कि मैंने एसिड को भी मिक्स किया और बेस को भी मिक्स किया, तो उस टाइम पे वो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, ना ही उसमें एसिडिक करेक्टर ना ही उसमें बेसिक करेक्टर है, ठीक है। तो हम बुक में से रीड करते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी गिवन है, सिमिलर हमें क्या करना है कि हमें सोडियम सल्फेट लेना है, किसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है बेरियम क्लोराइड लेना है, एंड दोनों को जैसे ही हम मिक्स करते हैं, तो
जिसमें जिस टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्स किया तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि कुछ एक हमारे सोलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं वहां पे। तो ठीक है, तो वो जो सोलिड सब्सटेंस है हमारे वो क्या है, वो हमारे है प्रेसिपिटेट। यू ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्युबल इन वॉटर इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो वॉटर में इनसोल्युबल होते हैं। हम ये देखते हैं कि वहां पर इनसोल्युबल कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, दिस इनसोल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस करती है प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, या तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, या तो उसके अंदर प्रेसिपिटेट मिलेंगे, या फिर वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट को लिया एंड साथ में बेरियम क्लोराइड के लिए, दोनों को मिक्स किया, क्या मिला, बेरियम सल्फेट जो हमारे पास क्या है, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में है, NaCl हमारे पास क्या है, सोल्ट है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जैसे कि पहले भी बताया है कि ये वीडियो देखने के बाद 10th क्लास के स्टूडेंट आप रिप्लाई नहीं करते, तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है कि किस किस ने वीडियो देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट कोज दिस, इसका क्या कारण है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम एंड सल्फेट के जो आयन है उनके कारण हमारी रिएक्शन फॉर्म हुई है। एंड अनदर जो प्रोडक्ट है इन सोडियम इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में रहता है, हमें पता है सोल्ट है, सोल्ट को जैसे ही मिक्स करते तो वो सॉल्यूशन में रहता है। सच ए रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन, कि आयन्स का एक्सचेंज होता है किसी भी रिएक्शन के बीच में, वो हमारी क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। उसके बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा एंड हम स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, जब भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो आपको कमेंट जरूर करना है।